छह दिन बाद अपहरण की हुई लड़के की लाश बरामद। अपराधी प्रशासन के पकड़ से अभी तक है बाहर। समस्तीपुर जिले के चकमहेसी थाना क्षेत्र में आज से छह दिन पूर्व अपहरण हुआ शाहाना परवीन के पुत्र मोहम्मद शमशेर उर्फ हैप्पी का लाश आज सोमवार के दिन प्रशासन के द्वारा मृतक के परिजन को बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार आज से छह दिन पूर्व अपहरण हुए शमशेर का लाश मधुबनी जिले के सदर अस्पताल से उसके परिजनों ने बरामद किया है। आपको बता दें कि समस्तीपुर के चकमहेसी थाना के द्वारा मधुबनी जिले के खुटौना थाना को खोने की सूचना गई, जहां खुटौना थाना के द्वारा बताया गया कि 31 तारीख के गुरुवार के 2 बजे दिन को छर्रापट्टी नहर के पास एक अज्ञात लाश मिला था, जिसे मधुबनी जिले के सदर अस्पताल में लाश को पोस्टमार्टम कर पहचान के लिए रख दिया गया है। जब आज सोमवार के दिन शमशेर के परिजन को पहचान कराया गया तो शमशेर का ही लाश पहचान हुई, जहां उसके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल बना है। वही अपराधी पुलिस के पकड़ से बाहर है। आपको फिर से बता दें कि आज से छह दिन पूर्व सहाना परवीन के पुत्र मोहम्मद शमशेर उर्फ हैप्पी को गुरुवार के सुबह प्रभात चौधरी व उनके पिता संजय चौधरी ने पीड़ित के घर से घुसकर उनके पुत्र को जबरन उसे घर से बुलाकर ले गया। शाम तक घर नहीं लौटा तो पीड़ित परिवार वालों ने थाने में आवेदन देकर अपने बेटे को बरामदगी की गुहार लगाई थी। जब आज हमारे कानूनी जंग बिहार प्रभारी आलोक रंजन ने समस्तीपुर डीएसपी प्रतीश कुमार से कॉल पर बात की है, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हाँ जय हिंद सर, कैसे हैं? हाँ सर ठीक है। मैं ये बोला कि 30 तारीख को जो अपहरण हुआ था उसमें अभी क्या सिचुएशन है? सिचुएशन मतलब उसका क्या सिचुएशन है, मैं ये जानना चाह रहा था। क्या सिचुएशन मतलब क्या चीज़? क्या उसका तो पता चल गया कि चलिए लाश वगैरह मधुबनी में बरामद हुआ है, तो क्या जो अपराधी है वो गिरफ्तार हुए या नहीं? नहीं। अच्छा रीजन क्या रहा जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए? भागे हुए हैं दूसरी जगह। अच्छा भागे हुए हैं दूसरी जगह। हाँ। अच्छा तो इस पे अपने स्तर से कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? हाँ, कुछ हो रहा है। अच्छा अभी भी अंडर प्रोसेस ही है। हाँ। यही जानना था। ठीक है।